कुलभूषण जाधव के बदले आतंकवादी देने का प्रस्ताव मिला था। कुलभूषण जाधव के बदले आतंकवादी देने का प्रस्ताव मिला था। विदेश मंत्री ने कहा, भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के बदले 2014 पेशावर स्कूल हमले के जिम्मेदार और अफगानिस्तान की जेल में बंद एक आतंकवादी को देने का प्रस्ताव दिया गया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के बदले 2014 पेशावर स्कूल हमले के जिम्मेदार और अफगानिस्तान की जेल में बंद एक आतंकवादी को देने का प्रस्ताव दिया गया था। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बुधवार को न्यूयॉर्क में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों की हत्या करने वाला आतंकवादी अफगानिस्तान की जेल में बंद है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मुझसे कहा कि हम आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला करने वाले आतंकवादी से कुलभूषण जाधव की अदला बदली कर सकते हैं। मंत्री ने यह दावा एशिया सोसाइटी में एक सवाल के जवाब में किया। हालांकि उन्होंने आतंकवादी का नाम और उस एनएसए के बारे में स्पष्ट नहीं किया जिसके संदर्भ में उन्होंने यह बात की। भारतीय नौसेना के 46 साल के रिटायर अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पाकिस्तान के खिलाफ कथित रूप से जासूसी और विध्वंसकारी गतिविधियों में संलिप्तता के लिए अप्रैल में मौत की सजा सुनाई थी। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में संघर्ष और अस्थिरता से बहुत क्षति पहुंची है। दूसरी ओर भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि उसने जाधव तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने के आग्रह को बार बार ठुकरा कर वियना संधि का उल्लंघन किया है। 18 मई को इस मामले की सुनवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत की 10 सदस्यीय पीठ ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। इसी तरह सबसे पहले खबरें पाने के लिए हमारे चैनल हाई स्टॉक न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए सबसे पहले खबरें लाते हैं और यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें।